हेलो गाइस, नमस्ते सबको। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? राम राम सबको। सुबह सुबह नेल्स काटते काटते व्लॉग का इंट्रो कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको कल के व्लॉग में मैंने बताया था मुझे काम से जाना है, होटल में आज काम करने जाना है। भाई तीन दिन का इवेंट है और उसमें काम करना है मुझे। कॉलेज से कल ऑफर आया था, वैसे तो कल जाना था कॉलेज बट मैं गया नहीं। हर्ष गया था तो उसने फ़ोन करके मुझसे पूछ लिया कि चलेगा। मैंने कहा चलो भाई, तो आज वहाँ पे जाएंगे, तीन दिन वहाँ पे जाएंगे हम। तो सब अभी सिकंदरपुर पे आने वाले हैं, सब क्या हर्ष और वरुण, और फिर हम वहाँ से चलेंगे ग्रैंड हायत गुड़गांव। तो अब नाखून काट लूँ और फिर निकलते हैं घर से। चलो जी, पैक कर लिया बैग। और भाई एक सीन और हो चुका है, सेकंड चैनल के लिए जो वीडियो डालनी थी ना, वो भाई रह गई। मतलब एडिट तो हो गई है पर वो अब आके डालूंगा मैं रात को। चैनल पर बन चुका है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। वैसे आप जब तक ये वाला व्लॉग देख रहे होगे तब तक तो आई चुकी होगी वो वाली वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने 3 बजे का बोला था, 3 बजे नहीं आएगी थी, थोड़ा लेट हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। और सॉरी इसलिए क्योंकि मुझे ये वाले चैनल कभी डालना था, वो वाले की भी एडिट करनी थी और फिर कल सुबह उठना भी था, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाया रात को, तो सॉरी उसके लिए। तो गाइस भाई सिकंदरपुर पहुंच चुके हैं एंड यहां से पिक करेंगे हर्ष और वरुण को। प्लान था सुमित का भी आने का पर भाई वो लेट हुआ, इन हरामजादों ने छोड़ दिया उसे। अब वो पीछे आ रहा है, पीछे मतलब आ रहा है और मुझसे फ़ोन करके कहता, हर्ष कहता भाई सुमित फ़ोन करे ना, फ़ोन नहीं उठाना है, ठीक है सीधा वही चलेंगे। तो अब सुमित अलग से आएगा, बाकी हम चल रहे हैं। सीन ये हो रहा है अब। बाकी गुड मॉर्निंग सबको, आपको आई होप आपकी सुबह बढ़िया हो रही होगी। मेरी एकदम फ्रेश यार, 3 घंटे की नींद ली है बट तब भी पता नहीं यार ऐसा थकावा कुछ फील नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होता है मेरे को आजकल। कौन जानवर बैठता है? अरे बस क्या ही बताऊं मैं, तो क्या रखा था भाई, बोल रहा है जी एमजी रोड, कोई एमजी रोड उतरी हो सिकंदर से गुलाब। गाइस भाई हर्ष और मैं तो समझ आते हैं काम करते हुए, भाई मेहनती आदमी हो तो ऐसा हो भाई। 1 तारीख से होटल जाना है भाई को, 6 महीने ट्रेनिंग है, वो घिसेंगे इसको, पर तब भी भाई पैसे कमाने आ गए भाई आज 3 दिन लगातार। और पता भी नहीं है कितने मिलने हैं, अभी तो पता ही नहीं है कितने मिलने भाई। हम तो इसलिए आगे के घर पे बोर हो रहे थे, सुबह राइट 6 बजे निकले। बताओ भाई मेहनती हो तो त्यागी भाई जैसा हो, वरना ना हो। कहाँ है कपड़ा? इसको व्लॉग बनेगा? हाँ भाई बिल्कुल बनेगा, लो आप आ गए व्लॉग में। गाइस सुमित और जुबिन भी आ चुके हैं, अब चल रहे हैं हम सीधा होटल पे। बता दे गाइस को कि आज हम इवेंट में जा रहे हैं। हाँ बता दे गाइस, सुबह कट पड़ गया, ये देखो शेविंग करते करते बेचारे के कट पड़ गया। गाइस 3 बजे सोयो और 5 बजे उठ गया। सेम भाई, हाँ 5 बजे उठो, पर वो बहुत दिक्कत बात है लगा, मैं 5 बजे उठ के दोबारा सो गया। 5 बजे उठा, हाँ मैं सो गया 5:30 बजे, तो मैंने फोन उठाया 20वां। गाइस पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, उसको लग रहा है हम गेस्ट हैं। ओडीसी के लिए जाना है, ओडीसी के लिए जाना है। तो पहली तरफ से आएगा पार्किंग में, इधर से तो निकल। अच्छा वहां से घूम के? अच्छा ठीक है, थैंक यू। गाइस हम लग इतने स्मार्ट रहे हैं कि लोग हमको समझ रहे हैं कि हम गेस्ट हैं। हाँ भाई पैसा तो खूब है पर क्या करे, किस्मत ने होटल मैनेजमेंट करवा दी। बाकी अब ये मेन पोस्ट है इस होटल का, अभी गौतम से ये लोग टिप मांगेंगे। मैं कहूंगा गाइस होटल मैनेजमेंट नहीं करनी, यही है आज की टिप। गाइस गाड़ी खड़ी कर दी है, मुझे कौन सा याद है। गाइस कह रहा ब्रेकफास्ट कर लें, 17 कोर्स मेन्यू लगा रखा है इसी के लिए। गाइस भूख तो लगती है आदमी,
सही गाइस, अभी अभी ब्रेक मिला हमें। देखो ब्रेक में ओट्स और चाय का नाश्ता है। आसिफ भी आ चुका है लेट लेट, अब एक घंटा तो लेट तो लेट होता है, एक घंटा चाय। सैलरी कट। वरुण जी आप चाय के अलावा और कुछ नहीं लेंगे? बस नहीं, बस ये अपनी होने वाली बीवी के लिए व्रत रख रहा है। देखो गाइस, चाय छोड़ दी थी होटल लाइन ने, चाय वापस चालू करवा दी। गाइस फ्री हो चुके हैं और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बहुत काम कराया भाई। देखो गेस्ट को सर्व करते करते बियर भी गिर गई मेरे शर्ट पे। सावन के दिनों में, सावन के पवित्र दिनों में मेरे से क्या हो गया ये। अब भाई सब मेट्रो पकड़ेंगे, मैं जाऊंगा सीधा घर। भाई बहुत काम करा है भाई। तू कल काम कर, तू कल भी आ रहा है? आ जाएगी यार, आज काम करके मैं खुश हो गया। भाई मेरे से तो नहीं आ जाए, आ जाएगा। कोई बात नहीं, रेपुटेशन की बात है ना, कि भाई कमिटमेंट दी थी 3 दिन की, नहीं गए, कोई बात नहीं भाई। शरीर पहले है साला, इतना काम कौन कराता है भाई। खाना खाने में लेट हुआ, वो भी इनकी गलती से। कैफेटेरिया में भीड़ लग रही थी, फिर आके कहता तुम्हारे टांगे नहीं रुकनी चाहिए। अरे तो तू ही हो रहा है बलवंत राय। इसकी गाइस सबको उतार दिया है भाई मेट्रो स्टेशन और अब जा रहे हैं घर। भाई बहुत ही ऐसा लगा कि लंबा दिन था और अभी दिन टाइम पूछोगे तो कुछ भी नहीं हुआ है। 6:23 हो रहे हैं पर भाई ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे दिन का क्या, पूरे हफ्ते का काम कर लियो। सही में बहुत ही ज़्यादा काम करा है आज। और ये मतलब मैं पहले भी गया हूँ होटल में काम करने के लिए, बट ये वाला थोड़ा ज़्यादा ही लगा आज का सीन। बस क्या ही बोलूँ मैं, इट वॉज टफ। कल का सीन था, मतलब लगातार 3 दिन का था तो सही, पर मेरा मन नहीं है जाने का, तो आई एम थिंकिंग कि कैंसिल करना सही रहेगा। बाकी यार मैंने अभी तुम्हें बताया साला, मैं गेस्ट को ना बियर सर्व कर रहा था तो मेरा बैलेंस बिगड़ा और भाई बियर का ग्लास सीधा मेरे ऊपर, पूरी पैंट और शर्ट दोनों पे, एक और ग्लास नीचे गिर के फूट गया। वो तो कुछ कहा नहीं होटल वालों ने, पर भाई मैं तो सहम गया था। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, बट हाँ होटल वालों ने कुछ बोला नहीं। और भाई अब चलते हैं घर, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर बात करूँगा मैं आपसे। चलो भाई घर तो पहुँच गए पर गेट तक भीग के जाना पड़ेगा, तो उसके लिए रेडी हो जाते हैं। चलो लेट्स गो। चलो 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 चलो, लाइक एंड सब्सक्राइब बोलते चलो। चलो 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 चलो, सेफ जोन पहुंच गए भाई। And done. फोन पूरा भीग गया भाई। आओ भाई मम्मी को तो बता कर आ जाए अपने दिन की कहानी। गाइस मम्मी आ चुकी हैं तो इनको बताते हैं आज क्या करा है मैंने। तो भाई आज मुझे दिया एक ट्रे दी, ठीक है, और इतने बड़े बड़े, मतलब कितने बड़े बड़े बताऊं, मतलब क्या थे ये बता, मैं अपने आप समझ रहा हूं। बियर के ग्लास और मुझे बोला कि घुमाने हैं तुम्हें एरिया में, ठीक है, और लोगों को देने हैं। तो मैंने थोड़ी देर घुमाए, मैंने मतलब एक बार खत्म कर दिए, फिर मैंने फिर से भरवा लिए। दूसरी बार में मुझे पता ही नहीं लगा भाई, एक बियर का ग्लास दूसरे बियर के ग्लास के यूं हुआ और भाई सारे गिरे, और भाई दोनों ग्लास गिरे मेरे ऊपर। भाई वो तो एक लेडी खड़ी थी गेस्ट, उस पे लगने वाले थे पर लगे नहीं।
है भाई, मेरे पे पूरी बियर गिर गई, ग्लास टूट गए, वहां पे पूरा सीन बन गया। तो भाई फिर मैं ऐसे हो गया कि भाई अब तो सुनने को मिलेगी, तो मैं ग्लास उठाने लग गया। पर भाई होटल के वो मतलब उस चीज में अच्छे थे कि भाई आए वो मैं ग्लास उठाने लग गया नीचे, कह रहे नहीं 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 तू कुछ नहीं करेगा। मैं ग्लास उठाने लग गया तो कह रहे नहीं नहीं तू कुछ मत कर, तू पीछे जा। तो मुझे पीछे भेजा, फिर मुझे लगा आप कुछ सुनाएंगे, आप कुछ सुनाएंगे। तो मैं फिर आया वो पीछे, कह रहा कहीं लगी तो नहीं, कह रहे चल कोई नहीं तू अब मसाला छाछ बाटियो, बियर मत बाटियो। पर तब से पूरी यूनिफॉर्म में बदबू आ रही है बियर की सावन के दिनों में। ये थी कहानी, मुझे सफाई दे रहा है, कभी मम्मी सोचे कि मैं पी के आया और मम्मी मुझे फूट गए। यस यस, इसलिए निकलते ही मैंने व्लॉग बनाया। बदबू तो नहीं आ रही उस वाले हाथ पे, देखो सेंट की आ रही है इसमें तो। नीचे देखो ये बाजू है, मेरी मेरे को कुछ हो रहा है, खोलो पूरा, बाजू पे गिरी थी यार पिटू से, रेस्ट वाले उस पे नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही, बारिश से हट गई होगी, फिर बारिश में भीगा होगा ना तो झुमके हट गए। हां तो ये सीन हुआ भाई, पर भाई बहुत काम कराया। अभी भी इस हिस्से में भाई, इस ये जो थाई वाला हिस्सा है ना, इस ये अभी भी काँप रहा है मेरा भाई इतना। और ये देखो हाथ भी अभी काँप रहा है, ट्रे उठा उठा के ऐसे पूरे पूरे दिन ऐसे मैंने ट्रे उठाई है पूरे दिन। हाथ ये सुन पड़ रखा है, काँप भी नहीं रहा, सुन पड़ रखा है। नहीं नहीं मना हो गया, मना कर दिया मैंने, मैंने मना कर दिया। सर का फोन आया था तो पूछ रहे थे कैसे ऐसे, अरे वो क्या हुआ, स्टाफ का थोड़ा बिहेवियर वैसे वहाँ का ठीक नहीं है, बाकी उस सीन में मतलब कुछ नहीं कहा मुझे। पर वैसे मतलब जैसे इतना सारा काम कर रहे हैं हम, घंटों घंटों घूम रहे हैं, 5 मिनट बैठने दोगे तुम? 5 मिनट जैसे ही बैठ रहे हैं तो कह रहे हैं लो तुम्हारी फोटो खींच ली, HR को दिखाएंगे। भाई कैसे, क्या HR को दिखाओगे तुम इसमें? तुम भाई हमें चलो 1000 रुपये दे रहे होगे दिन के, कितने दे रहे होगे, 1500 दे रहे होगे, पर शरीर से थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम, मशीन थोड़ी ना है। वो तो लंच तो मिलता ही है, पर भाई पूरे टाइम तुम घूमते रहोगे ना तो 5 मिनट रुकना पड़ता है कि भाई मतलब रुक के बैठ जाए। उसी रुकने में कह रहे कि तुम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो भाई फिर मतलब एक दो बच्चे हमारे मतलब कॉलेज गई जो गए थे, वो कह रहे कि सर हम नहीं जाएंगे। तो एक सीनियर है हमारा, तो उसने बोल दिया कि सर गौतम भी कह रहा है कि वो नहीं जाएगा। तो सर का फ़ोन आया था अभी रास्ते में, सर बढ़िया अपने, मैं तो ये कहूँगा सर समझ जाते हैं। मैंने कहा सर बताओ, मैंने तो 3 दिन की आपको कमिटमेंट दे रखी है, आप बोलोगे तो मैं चले जाऊँगा, पर वैसे मेरा मन नहीं है। कह रहे मन नहीं है तो देख ले, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई इशू नहीं है, अगर नहीं जाना तो रहने दे। मैंने कहा ठीक है फिर सर, ढूंढ लो किसी और को, मैं और वरुण नहीं जा रहे अब कल। हर्ष को, हर्ष भी फिर हमें देख के मना करने वाला था, पर फिर सर ने हम दोनों का मना ले लिया, फिर बहुत सारे बच्चे मना करने की सोचने लग गए, तो सर कह रहे नहीं अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, कमिटमेंट दे दी तुम्हें, हम दोनों बच गए अब भाई, वरना 3 दिन घिसनी पड़ती भाई। सच्ची में भाई बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है यार होटल में तो जाके, मतलब एज अ गेस्ट बन के तुम जाओगे ना तो मज़ा आएगा, जिंदगी की मौज है फिर तो, पर भाई एज अ अटेंडेंट, एज अ स्टाफ बन के तुम जाओगे ना तो भाई बहुत गधा मजदूरी है भाई, गधा मजदूरी। पर हाँ ये है उनके यहाँ खाना बहुत बढ़िया मिला भाई, सुबह हमें मिले ओट्स, उसके साथ क्या मिला था उसके साथ, हाँ कोकोनट की चटनी थी भाई, इतने स्वाद लग रहे ओट्स मैं क्या बताऊँ, मस्त। और फिर दोपहर को मिले थे दाल चावल और उसके साथ आलू शिमला मिर्च की सब्जी, वो तो मैंने ऐसी ही खाई इतनी सारी, मज़ा ही आ गया। वो हेल्दी फूड बनाते हैं ना अपनी स्टाफ को हेल्दी रखने के लिए, तो बढ़िया खाना था बाकी। पर अब 3 दिन का जो सीन था वो कैंसिल हो चुका है। गाइज लिटल अपडेट, कल जाना पड़ेगा हमें, सर का मैसेज आया कि बंदे अरेंज नहीं हो पा रहे तो कल जाना है, परसों नहीं जाना, देखते हैं, चलो परसों कल जाके और देख लेते हैं।
परसों का, फिर देखते हैं अगर मूड हुआ तो परसों भी चल जाएंगे, फिर एक दिन क्या ही मारेंगे अपना, अपने ही पैसे बढ़ रहे हैं। तो कल का भी दिन थोड़ा आधा तो ऐसे ही जाएगा, तो वही बताना था आपको। गाइस बॉडी में दर्द तो हो रहा है, पर कल भाई सर ने बोला है जाना है और उनको कमिटमेंट कर दी है, तो भाई जाना है। यू नो मर्द बनना है, मर्द वो मर्द ही क्या जिसने दर्द में अपना काम ना करो, क्यों? तो इसलिए कल भी जाएंगे। पहले जब मैं निकला था होटल से, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि नो वे भाई, मैं जाने ही नहीं वाला कल, तो मैं जाने ही नहीं वाला कल, तो मैं करूँगा ही नहीं काम यहाँ पे आके। पर हाँ, फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई इन एक्सचेंज ऑफ मनी मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ओ फक 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 मेरा कैमरा, इन एक्सचेंज ऑफ मनी मुझे ये काम करना पड़ रहा है, तो पैसा ही मिल रहा है, बुरी चीज़ थोड़ी ना। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। और जब भाई तुम देखो, जैसे अब मैं बचा इस चीज़ से, ठीक है, मैंने मना करा सर को कि सर मैं नहीं जा पाऊँगा, पर उन्होंने फिर मुझे फिर से बोला। तो कभी कभार ना चीज़ों को यूनिवर्स का सिग्नल समझ के भी ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, मतलब कि जैसे जैसे भाई सेकंड टाइम अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, फर्स्ट टाइम तो मैं भाई डर के भाग रहा था कि भाई फर्स्ट डे कर लिया अब भाई और नहीं हो रहा मुझसे, बट अब सेकंड टाइम आई सर ने कहा कि यार प्लीज़ चले जा, तो मैंने ये भी सोचा कि भाई सर को लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे धोखा नहीं देना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, कल को यार सर से कॉलेज में ही सामना होगा, है ना, तो ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है। और फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है, और क्या, और हाँ कि भाई यूनिवर्स का शायद सिग्नल है कि भाई चाहते हैं मुझे वहाँ पे, तो चलेंगे। तो यूनिवर्स का सिग्नल समझो, ठीक है, कहीं से तुम निकलना चाहते हो पर भगवान तुम्हें वहाँ पे भेजना चाहते हैं, तो जाओ, समझो सिग्नल और जाओ। और कहीं से भगवान तुम्हें निकालना चाह रहे हैं पर तुम वहीं घुसे जा रहे हो कि नहीं भाई मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो फलाने के साथ रहूँगा, मैं तो इसके साथ रहूँगा, बट भगवान तुम्हें वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो सिग्नल समझो और निकलो। यार मैं फिलोसोफिस्ट बन जाता हूँ, है ना। ब्लॉग डिनर में क्या है, छोले कुलचे नीचे से बनकर आए हैं, बड़ी मम्मी ने भेजे हैं, इसको कहते हैं मटर कुलचा। अच्छा मटर कुलचा, ये मटर आ होता है। ओके जी, तो मटर कुलचा अब कर लेते हैं डिनर, ठीक है, चलो जी खाए। टेस्टिंग रिव्यू हो जाए, वैसे मैंने टेस्ट कर लिया है बट आपके सामने फिर से कर रहा हूँ। भाई ये वाले कुलचे ना मैं बाहर वाले पसंद नहीं करता हूँ, पर घर में इतने बढ़िया छोले बने हैं ना ये, और कुलचे भी अच्छे हैं एकदम। कुलचे तो बाहर वाले ही हैं पर उन्हें घर में बाहर वाले हैं, पर छोले अच्छे लग रहे हैं साथ में, मतलब वो है ना खटास सी है, बढ़िया लग रहा है, मस्त। गाइस मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ है, मुझे अभी पता चला, ये जो तुम देख रहे हो उन्हें पता है ये छोले नहीं है, मुझे आज पता चला, ये वो मम्मी बता रही है कि हरा कुछ क्या जो मटर होती है, नॉर्मल मटर जो होती है हम पुलाव उलाव में डालते हैं वो हरी होती है, ये पकने के बाद जो वो छोले जैसी टाइट हो जाती है ना ये वो होती है, इसको मटरा बोलते हैं। ये छोले नहीं है, तुझे मैं ला के दिखाऊंगी जब मैं तब दिखाऊंगी भाई, और भी ऐसे कुछ राज छुपा रखे हैं मेरे को दुनियादारी से तो बता दो। सोयाबीन होती है ना, हाँ वो भी राजमा जैसे छोटे छोटे बीज वो होते हैं क्या? हाँ ये तो समझ ही नहीं आया, सोयाबीन जो तुम खाते हो ना हाँ उसके भी बीज वो होते हैं, जैसे राजमा होता है ना ऐसे बीन्स होते हैं उसके भी। अभी तुमने जिंदगी शुरू कर दिया है।
हमारी खत्म होने वाली गाइस। तो चलो मैं सोने जा रहा हूँ, तो अब कर देते हैं ब्लॉग खत्म। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं कल काम के लिए जाना मुझे, तो इसलिए एनर्जी चाहिए, तो सोने जा रहा हूँ मैं। इट्स मी गौतम आदरे साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राम राम सबको, बाय। मुनाज़रे खत्म ना हो हमारे, अब तू ठीक हो मैं ठीक, कौन किससे हारे, अब सुधर नहीं सकता मैं, बस गलतियां।